ओके किस तरह की तैयारियां करनी पड़ती क्योंकि ये अलग सा रोल है एकदम ही डिफरेंट है और फिल्में तो बहुत हमने देखी है सीरियल के अंदर और सीरियल का एक्टिंग सीरियल के अंदर जो है बहुत फास्ट काम होता है तो आपको किस तरह से खुद को तैयार करना पड़ा था जी तो काजल जो है शुरू से शी इज़ नॉट लॉस्ट हर आईसाइट वो एक बहुत ही बबली खुश लड़की है जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा फोकस नहीं है कि यही प्लान है यही करना है ऐसा कुछ उसने सोचा नहीं है तो वो जो मन में आता है वो करती है ज़िंदगी जहाँ ले जा रही है वहाँ चलती जाती है लेकिन मेरे लिए वो पार्ट भी ज़रा सा मुश्किल था बिकॉज एज मेघा आई एम नॉट दैट एनर्जेटिक एंड लाउड एंड यू नो बबली बाय नेचर सो टू फाइंड दैट एनर्जी वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर मी इनिशियली सो आई वॉज प्रिपेयरिंग वेन एवर आई हैव टू फील हैप्पी आई डिसाइडेड आई हैव टू टेक इट अप अ नॉच आई हैव टू बी हैप्पियर सो इवन दो स्मॉलेस्ट इमोशंस आई हैव टू आई वुडंट से एग्जैजरेट बट फील इट मोर बिकॉज आई थिंक इन रियल लाइफ ऑल्सो हम जीते नहीं है खुलकर अगर खुशी हो तो भी खुल के खुश नहीं होते हैं सब दब जाता है कहीं ना कहीं तो तो काजल ऐसी है कि वो फ्री है उसे कोई कोई बंधन नहीं है वो फ्री है तो इवन दैट वाज अ बिट चैलेंजिंग फॉर मी इनिशियली तो पहले उस पर वर्क किया तो अभी शो में फिलहाल शी इज़ नॉट लॉस्ट हर आईसाइट इट्स डेवलपिंग बट हैविंग सेड दैट प्लान्स है आगे मैं बीच बीच में कभी कभी मैं ऐसे एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ कि आँखें बंद करके कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश की तो एकदम से पैनिक फील हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है जिस जो चीज़ें हमें बचपन से पता है वो भी ठीक से समझ में नहीं आती इतनी बड़ी बात है नहीं देख पाना डांस करोगे आँखें बंद करके बैलेंस चली जाती है बहुत कुछ होता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें रजिस्टर करके उसे इनकॉर्पोरेट करना इट्स अ डेली एक्सरसाइज मैं अभी भी शुरू ही है वो मैं सोचती रहती हूँ बीच बीच में एंड हैव यू ट्राइड ब्रेल लैंग्वेज एज़ वेल सॉरी ब्रेल लिपि अभी वो जोन में तो गया नहीं है नॉट बिकॉज इट्स अ वेरी वेन एवर अ पर्सन लूजेज आई साइट इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क क्योंकि नॉर्मल चीज़ें भी सेंस कर पाना वो स्टिक यूज़ करना भी एक बहुत बड़ा स्किल है उसमें भी बहुत प्रैक्टिस लगती है तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वी आर टेकिंग इट स्लोली यस सो हेलो रोहित मेरा सवाल आपसे ये है सत श्री अकाल पाजी सत श्री अकाल जी अक्सर देखा गया है कि बिना आँखों के बड़ी बड़ी पोस्टों में हर फील्ड में लोग पहुँच चुके हैं तो आप किस तरह के चैलेंजेस फेस करें क्या प्रदर्शन दिखाने जा रहे हैं क्या क्या मतलब तैयारियां हैं आगे के लिए फर्दर आप क्या चैलेंजेस ओके मेरा पर्सनली जो कैरेक्टर है वो एक डांसर प्ले कर रहा है ही लव्स टू डांस नॉट इन रियल लाइफ बट सीरियल में जो शो कर रहे हैं हम जो मेरा कैरेक्टर है उसको डांस बहुत पसंद है ये मुझे बोला गया जब मैं सिलेक्ट हो गया उसके बाद तो जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे डांस करना पड़ेगा तो मैंने उस दिन के बाद से डांस क्लास ज्वाइन किया है एंड आई एम जस्ट एवरी डे आफ्टर माई वर्कआउट आई गो फॉर माई डांस क्लास वहीं पे जिम में एंड मेहनत हर एक फील्ड में आपके फील्ड में हमारे फील्ड में हर एक फील्ड में मेहनत है एंड इफ यू वन बी ऑन द टॉप तो आपको मेहनत तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी एंड इट्स माई कैरेक्टर सेज पर्टिकुलरली सेज कि यू हैव टू वर्क हार्ड देर इज़ नो गोइंग बैक यू हैव टू बी फोकस्ड यू नो योर गोल आपको अपना गोल पता है लाइफ में और कुछ भी करना है क्विट करने के अलावा सारे ऑप्शंस अपना लेने एंड बस क्विट नहीं करना है और अपने गोल तक पहुंचना है एंड मैं वही करता आया हूं अभी तक एंड या दैट्स इट या हेलो 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 हाय या मेरा सवाल आप सभी से है जो भी आंसर देना चाहे तो दे सकते हैं कि अभी शोज जो बनते हैं मेन उसमें जो टारगेट होता है कि जैसे अभी यहाँ पर दिखाया है कि हीरोइन की आँखें चली जाएगी हीरो की क्यों नहीं जाती है इसका भी रीजन मुझे मैं पूछना चाहता हूँ हीरो की आंखें क्यों नहीं जाती है हीरो के जागे हीरो की आंखें क्यों नहीं जाती शोज में या जो भी चीजें होती है तो वुमेन को ही लेकर के बनाया जाता है टारगेट किया जाता है क्यों इसका रीजन क्या है कि ऑडियंस जल्दी कनेक्ट होगी कि लड़की की आंखें गई तो फिर वो ये चीजें अचीव कर रही है लड़के की क्यों नहीं जा सकती है लड़कों पर क्यों नहीं बेस्ड होकर बनाया जा सकता है मैं सही बोल रहा हूँ तुम्हारे साथ उस पर हाँ यार लड़कों की भी जानी चाहिए आंखें यार लेकिन अब यार आंखें लड़के की जाए या लड़की की आंखें गई हैं यार लेकिन आंखें जाने के बाद भी कोई बंदा इतना फोकस्ड है इतना सिर्फ हमें इससे ये नहीं कि उसकी आंखें गई उसकी आंखें गई वो बंदा आंखें जाने के बाद इतना फोकस्ड है इतना ड्रिवन है लाइफ में कि जो उसको गोल है जो अचीव करना है जो सपने हैं वो अचीव करके रहेगा तो यार आँखें होने के बाद भी लोग अपने सपनों तक नहीं पहुँच पाते यार
अच्छा एक मूवी भी आई थी लफंगे परिंदे, लफंगे परिंदे हाँ, जो दीपिका पादुकोण की, उसमें भी उनकी भी आंखें चली जाती है। दीपिका की सिर्फ वही फिल्म है जो मैंने नहीं देखी है, बाकी सारी फिल्म्स देखी। तो उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, मतलब ये शो वहाँ से कहीं कुछ लिया गया है चीजें नहीं नहीं अडॉप्ट की गई? नहीं नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट एंड हमारी मेगा रे ने दीपिका से भी अच्छी एक्टिंग करी है इस शो में। नो आई डिडंट से दैट, मैं बोल रहा हूँ यार, मुझे पूरा फेथ है, कॉन्फिडेंस है इनमें, इन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हेलो हेलो हेलो, मेरा सवाल मेगा से है, टाइटल के बारे में कुछ बताएंगे, दिल है जिंदी? जी जी, तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि काजल बहुत एंथुजियास्टिक है, बहुत जोश है उसमें, खुल के जीती है, कुछ इतना सोचती नहीं है, प्लान नहीं करती कि ये करना है वो करना है, जैसा दिल किया वैसे ही करती चली गई। तो वो बहुत कुछ करती है, मल्टी टैलेंटेड है, वो ड्राइंग भी कर लेती है, थोड़ा पॉकेट मनी कमाने का मन किया तो फोर्ट पर जाके गाइड बन जाती है, टूर गाइड बन जाती है, टूरिस्ट को घुमा फिरा कर थोड़े पैसे कमा लेती है, मॉम को बेकरी में हेल्प भी करती है, और डांसर भी है, और जब भी मन में जो कुछ प्लान नहीं होता, जब कुछ बताया कि ये करना है और अगर दिल उस पर आ गया तो पूरी जान लगा कर वो कर लेती है। तो बेसिकली बहुत डिटर्मिंड है, ऑप्टिमिस्टिक है, पैशनेट है जो भी करती है उस चीज़ के बारे में, पर फोकस की थोड़ी कमी है, मस्ती खोर सी है, थोड़ी पागल सी है, बट दिल की अच्छी है, जिद्दी है। हेलो मेरा सवाल प्रोड्यूसर से है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले तो उनको कॉन्ग्रेट्स, इतना अच्छा आइडिया डेवलप किया उन्होंने, मोटिवेटेड है, पॉजिटिव है ये टोटली। आपने जो आइडिया उठाया है आँखों की रोशनी जाना, मतलब ये टोटली बेस्ड कमर्शलाइज है या आप उन लोगों के लिए भी कुछ करोगे जिनकी ऑलरेडी आँखें नहीं, या कुछ उनके लिए ऐसा जिंदगी में हादसे हो जाते हैं उनकी आँखें चली जाती हैं? सॉरी आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप फिर से। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये आपका जो आइडिया है ये टोटली कमर्शलाइजेशन है कि आपने पैसे कमाने हैं? ये देखो, हाँ तो ये टोटली कमर्शलाइज बेस्ड है कि पैसे कमाने के लिए है, या ऐसा आइडिया है कि आप कुछ ब्लाइंड पीपल के लिए कुछ करोगे जिनकी आंखें नहीं है? ये आइडिया जो है ये बिल्कुल ऐसा कुछ, यू नो, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये आइडिया है कि हमें अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको ये बताना है कि जो भी सपना देखता है आँखों या आँखों के बिना देख सकते हैं, इसमें कुछ पैसों का तो मतलब सवाल ही नहीं है। दिस इज ओनली अबाउट टीचिंग पीपल हाउ टू ड्रीम, दैट्स द आइडिया। ओनली कार सेवा? सॉरी, मैं क्या, कार सेवा? कार सेवा होता है सोशल सर्विस? सोशल सर्विस, अरे हम प्रोडक्शन के बिजनेस में हैं, यहाँ पे हम सोशल सर्विस की बात क्यों कर रहे हैं? इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपको अगर इसमें अच्छा प्रॉफिट होता है तो इसके लिए आप ब्लाइंड पीपल के लिए कुछ करेंगे इन फ्यूचर में जाके? जब प्रॉफिट होगा तब आप आना, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। शोएब, दिस साइड शोएब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे मेघा ने इंजीनियरिंग छोड़ी उसके बाद वो एक्टिंग में आई, क्या आपने भी पहले कभी कुछ और बनने की सोची थी उसके बाद आप एक्टिंग में आए? बिल्कुल सही सवाल किया आपने, बहुत लंबी स्टोरी है बट शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए कि सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी मेरे एज एन आर्टिस्ट, मुझे आर्ट के अलावा कुछ आता नहीं है सीरियसली, तो डांसिंग से शुरू किया था। आई स्टार्टेड विद डांसिंग, 3 साल मैंने डांसिंग किया, परफॉर्म किया बहुत जगह, फिर डांसिंग से आई स्विच टू सिंगिंग। सिंगिंग वॉज समथिंग विच आई वॉज वेरी कनेक्टेड टू, आई लर्न, I performed with many rock bands and I performed on channels and everything. तो उसके बाद में I was like, I realized that I was not satisfied. मैं खुश नहीं था जो मैं कर रहा था, मुझे करना है आर्ट में ही कुछ, बट मुझे समझ भी नहीं आता। Meanwhile, one of my friend जो कि थिएटर में plays वगैरह करते थे, उन्होंने अपने एक वो एक play कर रहा था तो उसने मुझे बुलाया कि आके rehearsals देखो, तो I went there, मैंने rehearsals देखी। तो रिहर्सल्स देखते वक्त आई डोंट नो वाई, बट जैसे सब लोग इमोशंस, दे वर प्लेइंग विद इमोशंस, नहीं है उनको रोना नहीं यार, बट इमोशंस सब हो रहा है वहाँ पे, तो आई वाज गेटिंग अट्रैक्टेड टू दैट थिंग। तो मैंने उनसे, जो डायरेक्टर थे उनसे पूछा कैन आई एक्ट, तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं, एक्टिंग से अभी तुम बहुत दूर हो। तो उन्होंने कहा कि आप बैक स्टेज कर सकते हो, तो मैंने बैक स्टेज किया उनके साथ। आफ्टर डूइंग दैट बैक स्टेज, एक ऐसा वहाँ से निकलने के बाद, वो प्ले देखने के बाद, कोई एक चीज़ थी जो मैं वहाँ से साथ में लेके निकला था, so that was something that aaj main yahan pe baitha hu. So started with dancing, singing, then this was a thing,
which I was always wanted to do. And उन दोनों चीज़ों ने dancing and singing ने मुझे acting में बहुत support किया. तो this is what I did. Hello, मेरा सवाल producer से है, दोनों producer से. सर यहाँ पर जी सर, ये आपको इस script पे आप पे भरोसा नहीं था क्या, जो आपने दोनों हीरो को आपकी जगह ले ली? सर आप भी हीरो से कम नहीं लगते, बोला दोनों आप पे भरोसा नहीं था कि आपने दोनों उनको क्या उनका सपना पूरा करना था? सर हम इन लोगों के जैसे एक्ट नहीं कर सकते ना, तो वो थोड़ा वो है, एक्टिंग आनी चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है. हेलो, माय क्वेश्चन टू प्रोड्यूसर्स, क्या इसमें नेत्रदान का भी मैसेज दिया जाएगा? सॉरी, विल इट कन्वे द मैसेज ऑफ नेत्रदान, आई डोनेशंस? उस बारे में हमने अभी कुछ सोचा नहीं है, बट थैंक यू फॉर द सजेशन इन एनी केस. थैंक यू. Do we have any further questions, guys? Yes, yes. ये मेरा सवाल मेघा से है. ब्लॉगर मेघा से कलाकार काजल तक का सफर, इसमें कौन सा चैप्टर आसान है? सॉरी, उसमें कौन सा चैप्टर आसान लगा आपको? चैप्टर आसान लगा, देखो हर एक जर्नी का एक अपना खासियत होता है. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन यू नो गिविंग माई 100% इन वॉट एवर आई डू. सो ऐसा कभी भी मुझे कुछ भी आसान पसंद नहीं है. सम हाउ आई जस्ट लाइक थिंग्स वैन दे आर डिफिकल्ट. सो विच इज आई डोंट नो वियर्ड, देन आई क्राई ओ नो दुख रहा है ये वो हो रहा है, बट देन इट्स देयर इज अ ब्यूटी इन डूइंग थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट बिकॉज वी ग्रो. हम चीज़ें आसान चीज़ें करते रहेंगे तो वहीं रह जाएंगे जहाँ हैं. तो जो भी काम किया है, ब्लॉगिंग हो या इंजीनियरिंग हो या एक्टिंग हो, आई हैव ऑलवेज ट्राई टू गिव माई 100%, क्योंकि वो जर्नी ही सबसे ब्यूटीफुल होती है. इतना आउटकम का मुझे कोई वो नहीं है, मैं सोचती नहीं हूँ कि इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इफ़ आई एम नॉट एन्जॉइंग वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ, इफ आई एम नॉट गिविंग माई कम्प्लीट माई 100%, देन इट्स नॉट सेटिस्फाइंग. सो इवन इफ इन अ सीन इफ आई फील दैट मेरा 100% छूट गया है, या मैं कुछ भी काम करती हूँ मेरा थोड़ा बहुत छूट गया, सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड. सो आई एम मोस्टली डिससेटिस्फाइड विथ माई वर्क, बट दैट्स द थिंग. आई थिंक हार्डवर्क डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, आप जो भी काम कर रहे हो पूरे मेहनत से करना चाहिए, तो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फॉलो. मेरा सवाल राइटर माली जी से है. माली सर, हाँ सर, सवाल ये है कि सर ये जो अपने यू केम अप विद दिस आइडिया, जो स्टोरी लाइन है, इट्स कैन यू इसके बारे में आप कुछ बता सकते कि आपको कैसे ये आइडिया आई और क्यों बनाना चाहते हैं इस? सी एक्चुअली ना, एक लाइन हमेशा दिमाग में है ना, जो होती है कि जब मैं रोज एक नया सपना देख सकता हूँ, तो जब मैं रोज एक नया सपना देख सकता हूँ तो एक ही क्यों देखूँ, ये कहीं ना कहीं दिमाग में चलता था कुछ टाइम पहले. और इसी से फिर एक आया कि यार एक ऐसी लड़की की कहानी है जो राइट नाउ तो एमलेस है ना, जो हम पर्सनल लाइफ में भी करते हैं कि मुझे कभी ये करना है, जैसे काजल ने भी बोला है, शोहेब ने भी बोला है कि मैं पहले ये करना चाहता था, फिर वो करते करते वो जर्नी होती है. तो आई बिलीव कि रादर देन द डेस्टिनी, द जर्नी शुड बी इम्पॉर्टेंट, यू नो दैट इज द जर्नी शुड बी वेरी ब्यूटीफुल. सो किसी भी किरदार की या किसी भी स्टोरी की या किसी भी यू नो लाइफ में भी होता है कि आपकी अगर जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी तो आपकी कहानी अच्छी बनती है. तो इसी को चलते हुए ये दिमाग में आया और ये हमने कहानी लिखना शुरू कर दी. तो डिजीज़ तो बेसिकली ये था कि जब हमने शुरुआत की तो एक ये पहले सबसे पहले थॉट ये आया कि आँखें चली जाएगी, मतलब अगर मैं ये सोचूं कि आज अगर आपके साथ ऐसा होगा तो क्या हो, है ना, मतलब ये सोच के ही मुझे हमेशा लगता है कि आज अगर मुझे पता चल जाएगा कि एक साल बाद मेरी आँखें चले जाने वाली है तो क्या होगा. तो यही तो डिजीज़, तो फिर तो हमने रिसर्च करने के बाद हमको एक एक स्टोरी में एक एंगल मिला, उसके हिसाब से हमने उस डिजीज़ को एक्सप्लोर किया. हेलो, थैंक यू. आप सभी युवा हैं. सो डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है इमेजिन करना भी कि खुद की जान लेना, आई थिंक इट टेक्स अ लेवल ऑफ डिप्रेशन और गिविंग अप ऑन लाइफ.
It's a very sensitive topic. I mean, I can't even imagine कि क्या बीती होगी किसी इंसान पर कि वो इस हद तक जा सकते हैं. लेकिन it's not just about engineering and medical. I think even मैंने actors भी कितने कितने जगहों पर हमने सुना है कि वो pressure जो बन जाता है society में एक वो बन गया ना perfection के अलावा और कुछ चलेगा ही नहीं. सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए और सोसाइटी कहे या खुद से भी लोग प्रेशर ले लेते हैं अपने आप पर भी. कभी फैमिली का प्रेशर होता है, कभी दोस्तों का पीयर प्रेशर होता है, बहुत कुछ होता है. आई थिंक एज ह्यूमन बीइंग्स वी कैन ओनली हैव मोर एम्पथी फॉर ईच अदर. लिसन, हम लोग आजकल इतने रश में रहते हैं, जीते भी नहीं है ठीक ढंग से, अपने ही सपनों में अपने ही इसमें खोए हुए, बाजू वाला क्या बोल रहा है नहीं सुनते हैं ध्यान से. सो as individuals, I think, I don't know, I can't speak on behalf of anybody else, but as individuals, we can be more empathetic, we can listen. कोई अपनी तकलीफ शेयर कर रहा है तो सुन लो. एडवाइस देने की घाई मत करो, सुन लो क्या कहना चाहता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. लैक ऑफ एम्पैथी एंड जितने बिजी होते जा रहे हैं लोग दिन भर दिन, आई थिंक द डिस्टेंस बिटवीन पीपल इज इंक्रीजिंग, पीपल आर गेटिंग मोर लोनली. So there are a lot of topics. I think there are a lot of things that lead to suicide. So it's a very vast and sensitive thing to comment on. But I think we can start from empathy. आपने खुद जब इंजीनियरिंग की तैयारी करी थी, आपके सामने भी ऐसी कोई डिप्रेशन की स्थिति आई थी? I'm sorry, I didn't catch. आपने जब इंजीनियरिंग की स्टडी तैयारी करी थी, उस टाइम पे आपके सामने भी ये स्थिति आई थी क्या, जो आप बता रहे हो? नहीं, आई हैव बीन लकी टू हैव गुड फ्रेंड्स एंड अ वेरी सपोर्टिव फैमिली. टफ टाइम्स तो यार सबकी लाइफ में आती रहती है, अप्स एंड डाउन्स तो आती रहती है. सो डिप्रेशन तो मैं नहीं कह पाऊँगी, पर आई लाइक आई सेड आई लाइक चैलेंजेस. तो मुझे चैलेंजेस और भी ज़्यादा हाँ वो पुश करती है टू ट्राई बेटर एंड गेट बेटर एट इट. मैं रुक नहीं पाती हूँ, दिल जिद्दी है. हेलो.